नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS भर्ती की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ 2022 की। कौन कौन से जो है यहाँ पर सवाल उभर कर आ रहे हैं अभ्यर्थियों के, ऑल इंडिया के सभी सर्किल के अभ्यर्थी, ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभिषेक क्लासेज आपको मालूम है GDS के लिए तत्पर तैयार है और GDS की सटीक और विश्लेषण के साथ जानकारी आपको मिलेगी तो इस YouTube पर अभिषेक क्लासेज पर मिलेगी। ध्यान दीजिए, बिना समय गवाए बोर्ड पर देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS की बात हो रही है 2022 ग्रामीण डाक सेवक। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है दोस्तों, तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, थर्ड वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हाँ, थर्ड वेटिंग लिस्ट तो जारी हुई है सभी सर्कलों की, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कुछ गरीब और ईमानदार और सच्चे स्टूडेंट्स को इसमें बेनिफिट्स हुआ है, कुछ मतलब नहीं हुआ है तीसरी लिस्ट आने का। मैंने सभी सर्कल की लिस्ट चेक की है। हिंदी भाषी सर्कल की बताऊं, जिस भी अभ्यर्थी के 80% से ज़्यादा अंक है उसी का कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम दिखाई दे रहा है, यानी कि 80% से कम का तो यहाँ पर जो है नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं निराशजनक बात सामने निकल कर आती है। घबराइएगा नहीं, लास्ट तक वीडियो देखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो चुके हैं ऑल इंडिया के सभी सर्किल के स्टूडेंट्स 14,910। ठीक है, 14,910 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। अब इनकी जगह पे दोबारा से नए कैंडिडेट्स बुलाए हैं तीसरी वेटिंग लिस्ट के माध्यम से, और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट होगी 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त तक इन 14,900 अभ्यर्थियों को जिनका थर्ड लिस्ट में नाम आया है 16 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जी हाँ, जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो बार बार पूछ रहा है, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ये अहम चीज है, ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही रिजेक्ट हुए हैं। आपको एक काम करना है, जो मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई है GDS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट, तो वो आपको एक बार देखनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, अच्छे से देख लेना। ठीक है, ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और उनकी दो दो फोटो कॉपी करवा कर ले जाना अवश्य रूप से। ठीक है, फाइल में सजा कर ले जाना, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपके हित में ही बात चल रही है, आपके भविष्य के लिए ही बातें चल रही है। एक सवाल उभर कर सामने आता है दोस्तों, सेकंड लिस्ट में इतने अभ्यर्थी पास नहीं किए गए थे, आपको मालूम है ना अच्छी तरीके से। जब इससे पहले सेकंड लिस्ट जारी हुई थी तो 14,910 अभ्यर्थियों से कम अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था। भाई साहब, आखिर ये क्या सिस्टम है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड लिस्ट में तो जो है 14,900 को जो है सिलेक्ट किया गया है, सेकंड में क्यों नहीं किया गया है। तो देखिए, ये जो लिस्ट आई है थर्ड लिस्ट, ये कंबाइंड में बनाकर दी है, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट सभी को मिलाकर ये लिस्ट दी है। यानी कि जो सेकंड लिस्ट में जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी दोबारा से इसी लिस्ट के जरिए बुलाए हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि GDS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना हार्ड नहीं हो रहा है, दोबारा से बुलाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, बार बार चांस दिया जा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा ही लापरवाही कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इस बार GDS की जॉब से वंचित रह जाएगा। ठीक है, थर्ड लिस्ट में इतना क्यों, समझ गए ना, इतना क्यों पास किया गया है, कंबाइंड लिस्ट आई है दोस्तों। ये देखिए, जो कहा था वही हुआ है, जो कह रहे हैं वही होगा।
जो नेगेटिव भ्रांतियां रहती है, नेगेटिव सोच के अभ्यर्थी रहते हैं, उनको मैं बार बार कहता हूं कि सच को परखना सीखिए और झूठ को भी परखना सीखिए। जहां पर आपको सटीक और सच के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है, उस पर एक बार विश्वास करके तो देखिए। भैया जी, अभिषेक क्लासेस ओनली गरीब, ईमानदार और सच्चे स्टूडेंट्स का साथी है और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश करता है। मैंने बोला था कि सेकंड लिस्ट आएगी, अभ्यर्थियों ने नहीं माना। वो अभ्यर्थी बोल रहे थे नहीं आएगी, ये तो व्यूज के चक्कर में बार बार वीडियो बना रहे हैं। सेकंड लिस्ट आ गई। उसके बाद मैंने बोल रहा था रोज आपसे कि थर्ड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, सब्र का फल मीठा होता है। अभ्यर्थी बोल रहे थे नहीं, ये तो पागल है, वीडियो के चक्कर में कर रहे हैं, व्यूज के चक्कर में कर रहे हैं, अब किसी भी प्रकार की थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। देखिए, कहीं ना कहीं जिस भैया का सिलेक्शन हो चुका है, कमेंट्स करके बता देना, इनके गाल पर तमाचा लगा देना कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं थर्ड लिस्ट जारी नहीं होती तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन हो गया है ना आपका, तो थर्ड लिस्ट कहीं ना कहीं किसी के लिए खुशखबरी की बात भी है और किसी के लिए दुख भरी बात भी है। लेकिन घबराइएगा नहीं, अब आपको मैं सटीक जानकारी दे दूं। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या फोर्थ लिस्ट भी आएगी? जी हाँ, आपकी जो है चौथी लिस्ट भी जारी होने वाली है। अवश्य रूप से बता रहा हूं, कहीं ना कहीं जिसके 80% नंबर है वो भी अभी एक्सपेक्टेड। आज तो रखिए आस बनाए रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। 14,900 अभ्यर्थी जो है रिजेक्ट किए गए हैं और 14,910 अभ्यर्थी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 14,910 में से बहुत सारे अभ्यर्थी, सभी सर्कल के बहुत सारे अभ्यर्थी रिजेक्ट होंगे। रिजेक्ट होंगे तो सीट खाली रहेंगी और सीट खाली रहेंगी तो चौथी लिस्ट अवश्य रूप से जारी होगी। सवाल यह उठता है कि आखिर चौथी लिस्ट जारी कब होगी? जी हाँ, 16 अगस्त तक तो जो है डीवी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब 16 अगस्त के आसपास ही कहीं जाकर जो है चौथी लिस्ट जारी होगी। तैयार रहिए, लेकिन ज्यादा ही जिसकी निचली परसेंटेज है भैया जी, वो आस मत रखिए। ठीक है, आपको मैं बताता भी हूँ, अभ्यर्थी जो परेशान है, डिप्रेशन में आ चुके हैं, उनसे मैं पर्सनली बातें भी करता हूँ, फोन करके बातें करता हूँ, रात में भी, दिन में भी, जब चाहे जब अभ्यर्थी मेरे से बात कर सकता है। क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों का आस था कि हम GDS में सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत सारी पोस्ट है 38,000 से ऊपर, तो कहीं ना कहीं उनकी आस पर पानी फिरा है। कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थी पैदा हुए हैं इस दुनिया में जो 100% वाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जो मेहनती अभ्यर्थी है उनके ऊपर जो है यहाँ पर तलवार रख दी है, तो इस चीज का आप देख लेना। अब एक और बात है दोस्तों, PWD कैटेगरी वाले, ठीक है, 112 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। भैया जी, जो DE कैटेगरी थी ना, उनका सभी का सर्किल का रिजल्ट जारी हो चुका है, सभी की लिस्ट एक में ही जो है प्रोवाइड करा दी है GDS की, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना DE कैटेगरी की। लेकिन PWD वाले भी निराशजनक है, उनको भी बेचारों को जो है अच्छी खुशखबरी नहीं मिली है। PWD की लिस्ट आप देखना, 80% से ऊपर अभ्यर्थी जिसके है उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ है। तो बेचारे एक विकलांग जिसकी उम्मीद थी कि इस बार हम GDS के पद को हासिल कर लेंगे, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद पर भी पानी फिरा है। और PWD अभ्यर्थी यही बोल रहे हैं कि हमें सिलेक्शन से मतलब नहीं है, हमें हमारा 4% आरक्षण दे दीजिए, बाकी हमारी किस्मत के ऊपर देखा जाएगा। तो हम बार बार जो है ट्विटर अभियान भी हमने चलाया था कि इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों को जो विकलांग अभ्यर्थी है, PWD अभ्यर्थी है, उनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। रिप्लाई आ चुका है वहां से जो हमने ट्विटर चलाया था। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड चैनल पर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो विश्वास करिए, आपके भविष्य के लिए, आपके हित के लिए तत्पर तैयार है भैया जी अभिषेक क्लासेज। आपका छोटा बड़ा भाई समझकर साथ बनाए रखिए।
लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया करो ताकि मुझे अच्छा लगे आपके लिए, मैं अच्छी अच्छी जो है जानकारियां उपलब्ध करवा सकूं और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।